बड़ी खबर में लेकर आ रहा हूं। जल प्रसाद, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, सॉरी आपको इंतजार कराने के लिए, लेकिन नेपाल ने कोरोना वैक्सीन के लिए भारत से मदद मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत की कोरोना वैक्सीन पर नेपाल सरकार को विश्वास, अपने 20% नागरिकों के लिए भारत से मांगी वैक्सीन। नेपाल में कोरोना से 260,000 लोग प्रभावित, 1800 लोगों की मौत। मैं सीधे चलूंगा यहां पर मनीष झा के पास। मनीष, ये वो मुल्क है जिसने सीधे तौर पर बहुत भयंकर खाई थी मूंखी जब उसने चीन से कोरोना से बचने का इक्विपमेंट मंगाया था, सामान मंगाया था, और सब कुछ खराब था। उनको वैक्सीन चीन की नहीं चाहिए, भारत की चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए और निशांत मैं आपको बताऊं कि नेपाल सरकार के कई महत्वपूर्ण लोगों से मैंने स्वयं बात की और उन सब ने ये कहा है कि हम भारत से वैक्सीन के लिए उम्मीद रख रहे हैं, और नेपाल सरकार ने भारत सरकार से औपचारिक तौर पर रिक्वेस्ट भी किया है कि उनके 20% आबादी को वैक्सीनेशन की जरूरत है। yes. और वो हैदराबाद और पुणे से इसलिए भी मंगाना चाहते हैं क्योंकि यहां से ले जाने का खर्च, और साथ ही साथ देखिए वैक्सीन, मान लीजिए कि अगर नेपाल किसी, एक बार आप हाइपोथेटिकल सोचिए कि अगर मॉडर्ना या फाइजर वैक्सीन नेपाल जाती है तो -75 डिग्री का जो सिस्टम उनके पास नहीं है, तो उनके पास वही सिस्टम नहीं। लेकिन 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 इंटरेस्टिंग बात ये भी है मनीष, ये भी है कि उनको समझ में आ गया कि चीनी माल जो है वो काम चलने वाला नहीं है। लेकिन कसवर, मैं आपके पास आ रहा हूं, पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन से खरीदेगा कोरोना वैक्सीन। बड़ी खबर, 12 लाख वैक्सीन की खुराकें चीन से खरीदेगा पाकिस्तान। फ्रंटलाइन वर्कर्स को साल की पहली तिमाही में वैक्सीन देने का प्लान। चीन की सेनोफार्म कंपनी की बनाई वैक्सीन खरीदेगा पाकिस्तान। सेनोफार्म कंपनी की वैक्सीन सिर्फ करीब 79% असरदार है, मतलब इसकी एफिकेसी जो है 79% है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग राहुल दिखाएं, एक तरफ नेपाल भारत से वैक्सीन ले रहा है, पाकिस्तान चीन से वैक्सीन ले रहा है, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। मैं कसवर के पास आऊंगा। कसवर, अब आप मुझे सच सच एक बात बताइए, पाकिस्तान वैक्सीन खरीद रहा है या चीन कह रहा है कि भैया वैक्सीन तो सिर्फ तुम हमारी इस्तेमाल करोगे और किसी की नहीं करोगे? नहीं निशांत, मेरा ख्याल है कि इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक डिग्निटी के साथ पाकिस्तान के में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे देंगे, ऑन फ्रंट देंगे और आप हमें दें। लेकिन अभी तक जो मेरे जैसा साथी है उसके लिए इसके अंदर भी एक क्वेश्चन है कि आपने अगर गाड़ियां लेनी है, असलाह लेना है, तो आप अमरीकों के पीछे भागते फिरते हैं, आप लॉबिंग करते हैं कि हमें ये चीज अच्छी मिल जाए। आपने फाइजर की वैक्सीन के लिए पैसे क्यों नहीं निकाले और आपने चाइना के लिए क्यों निकाले, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसका सवाल अभी मेरे पास नहीं है। आपके पास पैसे हैं, अगर दो को देखा जाए तो दुनिया की बेस्ट जो बड़े मुल्क हैं वो भी फाइजर के पीछे भाग रहे हैं, तो आप चाइना के पीछे क्यों भाग रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। लेकिन इससे एक साथ जुड़ी एक छोटी सी एक और मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान का चाइना के साथ जो संबंध है वो हम सबके सामने है, तो शायद यही एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तान जो है एक सस्ती वैक्सीन के पीछे जा रहा है। मैं एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं।